अब हमारे देश के बच्चे पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह के बारे में। क्रियात्मक समूह को इंग्लिश में हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो जल्दी से नोटबुक में अपनी हेडिंग लिख लो, क्रियात्मक समूह। हेडिंग लिखो बेटे, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। चलो क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग लिखेंगे क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, या इंग्लिश में आप कह सकते हो फंक्शनल ग्रुप। क्या कह सकते हो? फंक्शनल ग्रुप। इसके बारे में पढ़ेंगे। मान लो आपके पास कोई कार्बनिक यौगिक है, तो कार्बनिक यौगिक में कम से कम दो समूह तो होंगे ही। उनमें से एक समूह, एक ग्रुप होगा एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप। ठीक है, तो किसी कार्बनिक यौगिक में एल्काइल या एराइल ग्रुप के अलावा जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, जिसके ऊपर उस यौगिक के सभी रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, उस ग्रुप को या उस समूह को हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। यानी क्रियात्मक समूह से ही निर्धारण होता है किसी भी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का, कि वो कार्बनिक यौगिक कैसे रासायनिक गुण दिखाएगा। ये क्रियात्मक समूह बिल्कुल ऐसा होता है जैसे एक परिवार में 5 सदस्य हैं या 4 सदस्य हैं, तो मैं कहूंगा वे सारे सदस्य समूह हैं या ग्रुप हैं। और उन सभी सदस्यों में से एक सदस्य ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं परिवार का मुखिया, और परिवार का मुखिया ही निर्णय लेता है परिवार से संबंधित सभी क्रियाकलापों का, कि परिवार क्या काम करेगा और क्या काम नहीं करेगा, इसका निर्धारण करता है परिवार का मुखिया। इसी तरीके से कार्बनिक यौगिकों में जो समूह होते हैं, चाहे उसमें दो समूह हैं या तीन समूह हैं, उन समूहों में से हमें उस समूह को देखना होता है जो इस बात का निर्धारण करता है कि रासायनिक यौगिक या कार्बनिक यौगिक कौन से गुण दिखाएगा, कौन से रासायनिक गुण दिखाएगा। तो उस मुख्य समूह को हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। वो कोई एल्काइल या एराइल समूह नहीं होता है। देखो क्या समझाया मैंने आपको, मैंने समझाया किसी किसी कार्बनिक यौगिक में, किसी कार्बनिक यौगिक में एल्काइल, एल्काइल ग्रुप मैंने आपको पढ़ा दिया है, एल्काइल या एराइल, एराइल ग्रुप क्या होते हैं मैं पढ़ाऊंगा इसी यूनिट में। किसी कार्बनिक यौगिक में एल्काइल या एराइल ग्रुप के अतिरिक्त, ग्रुप कहते हैं समूह को, ध्यान रखना, ग्रुप के अतिरिक्त, एल्काइल या एराइल ग्रुप के अतिरिक्त वह समूह जो यौगिक के रासायनिक गुणों का, यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है कि यौगिक कौन से रासायनिक गुण दिखाएगा, निर्धारण करता है यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, कौमा क्रियात्मक समूह कहलाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। अब देखो एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा क्रियात्मक समूह कैसे होते हैं। क्रियात्मक समूह का मतलब जो यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है वो समूह। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल देखते हैं C2H5OH का, इथाइल अल्कोहल का, C2H5OH। इसमें दो समूह हैं, एक तो C2H5 है, एक OH है, ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, पर इसमें एल्काइल ग्रुप कौन सा है? C2H5 है, इथाइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप के अतिरिक्त कौन सा ग्रुप है? ये है, तो यही होगा क्रियात्मक समूह। तो C2H5OH में OH एक क्रियात्मक समूह है, OH एक क्रियात्मक समूह है, तो इसमें OH है बेटे क्रियात्मक समूह।
पर मैं आपको और भी बहुत सारे क्रियात्मक समूह यहां सिखाऊंगा आज, ठीक है? देखो, और एग्जाम्पल देता हूं आपको, यहां से दिखाता हूं और एग्जाम्पल। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, इसके साथ साथ मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं कि एक क्रियात्मक समूह होता है ऐसा हेलोजन, जैसे FCl, BrI, ये सब हेलोजन होते हैं, 17वें वर्ग के तत्व, तो ये भी क्रियात्मक समूह के कार्य करते हैं, और इन्हें सबको कुल मिलाकर हम कहते हैं हेलोजन। हेलोजन ये क्रियात्मक समूह है, जैसे इसे आप कहोगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्रियात्मक समूह है। जैसे मैं आपको कहूं सिंगल बॉन्ड OH, ये भी एक क्रियात्मक समूह है। देखो ये OH जो बताया, ये होता है एल्कोहल। एल्कोहल ये एक क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल, ठीक है? अच्छा, सिंगल बॉन्ड SH भी आ जाता है बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों में, ये होता है थायो एल्कोहल। थायो, THIO, थायो एल्कोहल, ये भी एक क्रियात्मक समूह है। इसके अलावा सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, ये भी एक क्रियात्मक समूह है, इसे हम कहते हैं ईथर। ये सब क्रियात्मक समूह है, इनकी जरूरत हमें पड़ेगी आगे, मैं सिखाऊंगा एक एक को। अभी तो मैं थोड़े से आपको क्रियात्मक समूह इसलिए बता रहा हूं जिससे थोड़े बहुत आपके अभी याद हो जाएं। ये होता है एल्डिहाइड, CHO। एल्डिहाइड भी एक क्रियात्मक समूह है, इनमें से बहुत सारे आपने पढ़े होंगे क्लास 10th में। सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड, ये भी एक क्रियात्मक समूह है जिसे हम कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं? कीटोन, ठीक है? यहां से बताता हूं, सिंगल बॉन्ड COOH, ये भी एक क्रियात्मक समूह है, इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी एक क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? अच्छा, सिंगल बॉन्ड NH2, ये होता है एमीन, AMINE, ये भी एक क्रियात्मक समूह है, एमीन भी एक क्या है? क्रियात्मक समूह। तो ये सब क्रियात्मक समूह होते हैं। जैसे मैं आपको कहूं CONH2, ये भी एक क्रियात्मक समूह है, इसे कहते हैं हम एमाइड। एमाइड ये भी एक क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह बहुत तरह के होते हैं, जैसे मान लो सिंगल बॉन्ड CN आता है कहीं, इसे कहते हैं साइनो, CYANO, या साइनाइड भी कह सकते हो आप इसे। जैसे सिंगल बॉन्ड NO2 आता है तो इसे हम कहते हैं नाइट्रो, ठीक है? तो ये सब क्या है? क्रियात्मक समूह। इसके अलावा भी कई प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं, हम हर एक प्रकार के क्रियात्मक समूह का अध्ययन करेंगे इस यूनिट में जब हम नामकरण पढ़ेंगे। जल्दी से पॉज करके लिखो, आपको पता चल गया क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है, तो हमें इस बात का पता चला है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में जितने भी समूह होते हैं, समूह का मतलब जिन हिस्सों से मिलकर कार्बनिक यौगिक बना होता है ना, उन हिस्सों को, उन पार्ट्स को हम कहते हैं समूह। और उन समूहों में से हम देखते हैं उस समूह को जो ना तो एल्काइल ग्रुप हो, यानी एल्काइल समूह ना हो, और ना ही एराइल ग्रुप हो। तो एल्काइल और एराइल ग्रुप के अलावा जो समूह होगा ना उसमें कार्बनिक यौगिक में, वो समूह ही उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करेगा, और उस समूह को ही आप कहोगे क्रियात्मक समूह, ठीक है? पर क्रियात्मक समूह जरूरी नहीं है कि किसी कार्बनिक यौगिक में केवल एक क्रियात्मक समूह हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। बहुत सारे यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक क्रियात्मक समूह होता है, पर बहुत सारे यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह होते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं यहाँ, जैसे मान लो मैं, हाँ, आपको बताता हूं, एक क्रियात्मक समूह वाले यौगिक, एक क्रियात्मक समूह वाले यौगिक कैसे हो सकते हैं। देखो, ऐसे हो सकते हैं जैसे CH3
एनएच टू, इसमें एक ही क्रियात्मक समूह है एनएच टू, जैसे सी एच थ्री सी एल, इसमें एक ही क्रियात्मक समूह है क्लोरो या क्लोरीन कह दो आप, जैसे सी टू एच फाइव ओ एच, इसमें एक ही क्रियात्मक समूह है एल्कोहल, इसमें क्लोरो था इसमें एमीन था, तो इनमें एक एक क्रियात्मक समूह है, जैसे सी टू एच फाइव सी एन, इनमें साइनाइड है, देखो एक ही क्रियात्मक समूह है। तो ऐसे बहुत सारे यौगिक हो सकते हैं और होते हैं जिनमें केवल एक क्रियात्मक समूह होता है, इन्हें हम कहते हैं एक क्रियात्मक समूह वाले यौगिक या मोनोफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो मोनोफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जिनमें केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप हो। पर ऐसे भी यौगिक हैं जिनमें एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह होते हैं, ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं बहु, बहु माने बहुत सारे, बहु क्रियात्मक समूह, बहु क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। यानी इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो पॉली फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पॉली फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होंगे जिनमें एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह होंगे, जैसे सी एच टू ओ एच, सिंगल बॉन्ड सी एच टू ओ एच। अब देखो इसमें क्रियात्मक समूह दो हैं, एक तो ये है और एक तो ये है, दो क्रियात्मक समूह हैं। इसका नाम होता है इथाइलीन ग्लाइकोल। नाम लिखना चाहते हो तो, वैसे तो मैं नाम आपको बताऊंगा ही, इथाइलीन ग्लाइकोल, इसका नाम होता है इथाइलीन ग्लाइकोल। ये एक पॉली फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह है, दो क्रियात्मक समूह है भले ही दोनों एक जैसे हों, ठीक है, जैसे सी एच टू ओ एच और सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच। इसे देखो इसमें भी दो क्रियात्मक समूह है, एक तो इसमें क्रियात्मक समूह है ओ एच एल्कोहल और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, दो क्रियात्मक समूह है, इसका नाम होता है ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, इसे कहते हैं ग्लाइकोलिक एसिड। तो ये भी एक पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच ओ एच और सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच, इस कंपाउंड को देखो ध्यान से, ये आपका जाना पहचाना कंपाउंड है। पहले दो यौगिक तो आपको पता नहीं थे पर इसके बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। इसे इसमें भी देखो एक तो ओ एच ग्रुप है एक सी डबल ओ एच, इसे कहते हैं हम लैक्टिक एसिड, क्या कहते हैं लैक्टिक एसिड, और आपको पता होना चाहिए लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में, दूध में लैक्टिक एसिड ही होता है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ध्यान रखना दूध में कौन सा एसिड होता है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड में कितने क्रियात्मक समूह हैं, दो हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक ओ एच। इन सारे क्रियात्मक समूह के बारे में पूरी पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको, अभी तो सिर्फ मैंने आपको बताया कि किसी कार्बनिक यौगिक में जो समूह उपस्थित होते हैं उन समूहों में से एल्काइल या एराइल ग्रुप को छोड़ के जो समूह बचे हैं जिनके ऊपर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उन समूहों को हम कहते हैं क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप के मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए, कम से कम 6 7 10 एग्जाम्पल मैंने अभी आपको कराए, पर फिर मैंने आपको बताया कि ऐसे भी बहुत सारे यौगिक होते हैं जिनमें केवल एक क्रियात्मक समूह होता है, जैसे ये सारे यौगिक हैं उन्हें कहते हैं मोनोफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड या एक क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। और ऐसे भी बहुत सारे यौगिक होते हैं जिनमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड या बहु क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। ये एग्जाम्पल है, देखो इसमें दो क्रियात्मक समूह है, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं। ऐसे भी बहुत सारे कंपाउंड्स का हम स्टडी करेंगे जिनमें दो से ज्यादा क्रियात्मक समूह होंगे। पहले जल्दी से पोज करके लिख लो, आप लिखो पोज करके, लिख लिया बेटे, ठीक है, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, बाकी स्टडी हम करेंगे कल, आज बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।